नमस्कार, कानूनी भाषा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवर्स पजेशन अर्थात प्रतिकूल कब्जे के बारे में और इसे समझने की कोशिश करेंगे कि एडवर्स पजेशन का अर्थ क्या है और इसके लिए कौन सा कानून है भारत में। एडवर्स पजेशन अर्थात प्रतिकूल कब्जे की अवधारणा का अर्थ है कि कोई अतिचारी या कोई अजनबी जो अचल संपत्ति पर कब्जा कर लेता है उसे एक निश्चित समय के लिए बिना किसी रुकावट के और निरंतर कब्जे में 12 वर्षों तक रहना चाहिए, जो आमतौर पर संपत्ति के मालिक के वर्गीकरण पर निर्भर करता है, यानी कि जो संपत्ति है वह निजी है या सरकारी है। अब यह एडवर्स पजेशन अर्थात प्रतिकूल कब्जे की बात आती कहां से है, आखिर इसके लिए कौन सा कानून है? तो देखिए, यह लिमिटेशन एक्ट 1963 अर्थात परिसीमा अधिनियम 1963 में दिए गए प्रावधान के अनुसार होता है। परिसीमा कानून का उद्देश्य सच्चे मालिकों को अपनी संपत्ति की जांच करने और दूसरे के प्रतिकूल दावे से उसे बचाने के लिए पर्याप्त समय देना है। यदि सच्चे मालिक लंबे समय तक ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें अपनी संपत्ति खोनी पड़ती है। परिसीमा का कानून इस सूत्र पर आधारित है कि कानून उस व्यक्ति को सहायता प्रदान करता है जो सतर्क है और नींद नहीं ले रहा है। लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत अधिकार के उन्मूलन के संबंध में एक अपवाद है, धारा 27, जो यह कहता है, एट द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड हियर बाय लिमिटेड टू एनी पर्सन फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी हिज राइट टू सच प्रॉपर्टी शैल बी एक्सटिंग्विश्ड। अर्थात उस काल अवधि के पर्यावसन पर जो किसी संपत्ति के कब्जे का वाद संस्थित किए जाने के लिए निमित्त किसी व्यक्ति के लिए एतद द्वारा परिसीमित है, ऐसी संपत्ति पर उसका अधिकार निर्वापित हो जाएगा। सरल भाषा में कहें तो यदि व्यक्ति ने सीमा अवधि के दौरान कब्जे की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है तो उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं। परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची में अनुच्छेद 65 के तहत जो समय सीमा निर्धारित की गई है वह है 12 वर्ष। अब अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष की अवधि के भीतर अचल संपत्ति पर कब्जे की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं करता है, उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं और इसलिए उस संपत्ति को स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन प्रतिकूल कब्जे का कानून इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी अचल संपत्ति को लंबे समय तक स्थगित नहीं रखा जा सकता है, इसलिए किसी को उस संपत्ति का मालिक होना ही पड़ता है। जब सही मालिक ने परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 27 के अनुसार कार्रवाई करने में विफल रहने पर अपने अधिकार खो दिए हों, इसीलिए उक्त स्थिति में संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जा रखने वाला व्यक्ति अनुच्छेद 65 के अनुसार संपत्ति का सही और पूर्ण मालिक बन जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एडवर्स पजेशन अर्थात प्रतिकूल कब्जा क्या होता है। अब हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे कि इसके लिए कौन केस कर सकता है और वह कौन सी शर्तें हैं जो प्रतिकूल दावा पेश करने वाले व्यक्ति को प्रमाणित करने पड़ेंगे।